हर बात पे विरोध करना और जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति ये देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखी है सर। जब हम पिछली बार गए थे वहां पर तो लोगों ने पूछा आप हिंदुस्तान से हैं, तो अब कहते हैं कि जो बिल हटाकर 370 हटाकर हम जम्मू कश्मीरियन लोगों को जो न्याय देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आज तक जितने भी लोग जम्मू और कश्मीर पे राज कर रहे थे वो अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे, ना कि कश्मीरियों के लिए काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर ये हमारा देश का अंग है, ये सिर्फ ऑपोजिशन का चश्मा पहन के बैठे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दी जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज अमेंडमेंट 2024। सर अभी हमारे काफ़ी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। हर बात पे विरोध करना और जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति ये देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखी है सर। जब हम पिछली बार गए थे वहाँ पर तो लोगों ने पूछा आप हिंदुस्तान से हैं, और अब जब मैं रिसेंटली जाके आई हूँ तो अब कहते हैं कि जो बिल हटाकर 370 हटाकर हम जम्मू कश्मीरियन लोगों को जो न्याय देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नहीं तो आज तक जितने भी लोग जम्मू और कश्मीर पे राज कर रहे थे वो अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे, ना कि कश्मीरियों के लिए काम कर रहे थे। तो आज जो सरकार ने हर इम्प्लीमेंट हर अमेंडमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए ला रहे हैं, आज वहाँ पे G20 के माध्यम से जो विकास होना था, जो मार्केट होनी चाहिए थी, जो विजिटर्स लोगों के लिए टूर्स करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वहाँ पर A to Z जो काम होना चाहिए था उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और ये हमारी बातें नहीं हैं, हम रहते हैं महाराष्ट्र में सर, जब हम वहाँ जाते हैं लोकल लोगों से जब बात करते हैं उनकी भावनाएं क्या हैं हमारे प्रति, और जो 370 हटने के बाद जो काम होना चाहिए था उस पर किस तरीके से काम हुआ है, बेरोजगारी पे जो काम हो रहा है उसके लिए जो ग्राउंडेड लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जब उनसे बात की तो उनका एक ही शब्द था, ये तो अपोजिशन के लोग हमारे काका ने कहा कि जो जिस हालत में उसे जम्मू कश्मीर पे रहने दो। अरे हालत पे छोड़ दिया तो आप जैसे नहीं हो जाएगी ये सरकार। मोदी जी का कहना है कि हम अपने कामों पे विश्वास रखकर लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं, और वो ही न्याय जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई दे रहा है सर। ग्राउंड लेवल पे जाकर जब आप आम लोगों से बात करते हैं हर बिल के अमेंडमेंट होने के बाद उनमें एक विश्वास जागता है, आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारा जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरियन आगे बढ़ेगा, इस पे जो काम करते हैं मुझे लगता है विरोध पे विरोधियों को चश्मा पहनना कम कर दीजिए या तो हटा दीजिए, सिर्फ विरोध करना है। अमित शाह जी अगर कोई बिल लेके आते हैं तो मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर को आगे बढ़ाने वाला बिल अमेंडमेंट करने के लिए वो लेके आए हैं, और हमारी पूरी इच्छा है सर, जम्मू कश्मीर ये हमारा देश का अंग है, ये सिर्फ ऑपोजिशन का चश्मा पहन के बैठे हैं। इनको विनंती है कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो अपने आंखों में जो ऑपोजिशन का चश्मा लगा है वो हटा के जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीरियन को मदद करने का काम इन लोगों के तरफ से भी होना चाहिए। जैसी आंखें रहेगी वैसा ही जग दिखेगा, इनकी आंखों में अगर दोष होगा तो इन्हें कोई भी अमेंडमेंट में कोई भी बिल में कहीं पर भी सुधार नहीं दिखेगा। तो मैं बोलती हूँ अमित शाह जी जिस तरीके से उनके पूरे मंत्री हमारे यहाँ पर बैठे हैं और जो एक एक अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर के फायदे के लिए और उनके लोगों के लिए, ना कि खुद के परिवार के लिए ला रहे हैं, तो मुझे लगता है वी ऑल हम आप लोगों के ये बिल के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर भी हमारे देश की जैसा प्रगति करना चाहिए, आने वाले समय में वो भी हमारे देश का एक सबसे बड़ा क्षेत्र बनना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से बहुत अभिनंदन करती हूँ।